नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार में शराबबंदी हुए लगभग 8 वर्ष होने को है। बैरिया बस स्टैंड के पास मिनी फैक्ट्री शराब की, विदेशी शराब की, और तो और एक ट्रक लगभग खाली बोतल, रैपर और 200 लीटर लगभग स्प्रिट। तो आप कह सकते हैं बिहार में शराब बंद है, तो फिर शराब आ कहाँ से रही है? चलिए इधर कुछ जब समय से देखिएगा तो तत्परता हो रही है मद एवं निषेध विभाग के, और लगातार छापेमारी कर रिकवरी भी कर रहे हैं और साथ में गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रहे हैं मद निषेध विभाग के अधिकारी, उनकी बात को सुन लेते हैं। बीमारी क्या गया है? देख रहे हैं ये शराब बनाने का मिनी फैक्ट्री है, यहाँ पे विदेशी शराब बनाया जा रहा है और लगभग 200 लीटर स्प्रिट जब्त किए हैं हम लोग, और खाली बोतलों की संख्या बहुत है, अभी उसका मिलान किया जा रहा है और बहुत सारे विभिन्न ब्रांडों के रैपर भी पकड़े गए हैं। मुख्य संचालक कौन इसका, यहाँ पर क्या कुछ संचालन का तो अभी पता किया जा रहा है और पता होते ही बता। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें टोटल 7 लोग ऑन स्पॉट गिरफ्तार किए गए हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर बरामद, क्या 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 दिख रहा है आपको, यहाँ क्या होता था? यहाँ शराब, विदेशी शराब जैसे रॉयल स्टैग हुआ और विभिन्न ब्रांडों का बोतल बता रहे हैं ना। पूछताछ में और क्या कुछ बताया, यहाँ से शराब बन के कहाँ कहाँ सप्लाई होता था? यहाँ से शराब बना के खपाने के लिए पटना में ही खपाया जाता था और ये गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। तो क्या क्वान्टिटी लगभग क्या होगा? क्वान्टिटी करीब 1 ट्रक खाली बोतल यहाँ पकड़ा गया। इस गोडाउन के जो मेन संचालक, उनका क्या नाम है? वो तो अभी पता, हम अभी पता नहीं है, हम लोग को पता कर रहे हैं। तो मद एवं निषेध विभाग ने उद्भेदन किए हैं और इस पूरे मामले में देखा जाए तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अच्छी बात है। वैसे जब देखा जाता है तो पर्व का समय और अभी से ही लोग फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री लगातार धड़ल्ले से तैयारी चल रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में और भी छानबीन कह रही है, और साथ में सरकार को भी चाहिए कि जब शराब बंद है तो इस तरह का खेला कहां से शुरू हो रही है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।